हे गाइस, यू आर यूज वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आर जोनियस राइडर। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि मैंने इतने टाइम से कोई व्लॉग या शॉर्ट्स नहीं डाले। मजेदार होने वाला है, कनेक्ट रहिए। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां पर पहुंच के आपको बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल आर जोनियस राइडर। तब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक। थैंक यू, मिलते हैं। तो गाइज, सफ़र शुरू हो गया है अपना। अब बस फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचना है। लगभग 30 मिनट्स है हमारे पास में, और फिर देखते हैं जो ट्रेन है उसमें बैठते हैं और अपना स्टॉप पे पहुंच के आपको बता दें। तो आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और ये एस्केलेटर है, सामान सब है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं और हमारे स्टेशन पर जहाँ पर हमारे को जाना है वहाँ पहुँच कर आप सारी कंटिन्यू बातें करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। सो गाइज, प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 जोधपुर का। यहाँ पर मेरे को मिली है एकदम अपने बॉम्बे स्टाइल की गाड़ी, जैसे बॉम्बे में चलती है ना लोकल ट्रेन, चेयर कार, सीटिंग कार, उसमें सोने का नहीं रहता ज़्यादातर लोकल ट्रेन। वैसी ट्रेन ये है, अंदर आप देख सकते हैं शांति से सिटिंग कार्स लगा रखी है इन लोगों ने। तो भाई साहब मज़ा आ गया है, मज़े हो गए। यो सो अभी ऑन द वे पहुंचे हैं, अभी आया है मथानिया, मारवाड़ मथानिया। तो चलिए गाड़ी का राउंड हो चुका है एंड जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। यो सो जर्नी चालू है एंड तो देखते हैं आगे पहुँचते हैं। यो गाइस, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम आ चुके हैं रामदेवरा। रामदेवरा पर हम आए हैं क्योंकि एक्चुअली मेरे को व्लॉग भी बनाना था कहीं बाहर का, और मम्मी ने बोला कि शादी में जाना ही जाए, तो मैं सोचा चलो भाई व्लॉग भी बन जाएगा अपना और शादी भी अटेंड हो जाएगी मम्मी के साथ में। पापा एक्चुअली काम से जोधपुर में रह गए, तो मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई आए हैं। तो चलिए अभी तो रूम पर जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है, कि अभी मंदिर जाना है क्या, नहीं तो मैं हो सकेगा तो कल सुबह ही जा आपका। यो गाइस, तो अभी सीन ऐसा है कि शादी से हम लोग जस्ट अभी फ्री हुए ही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार मंदिर जाके देख लेता हूँ कि अभी खुला है कि नहीं है एंड क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बस रामदेवरा आइए, अपने दर्शन करिए, मार्केट इंजॉय करिए और कुछ नहीं। ये देखिए थोड़ा सा चूर्ण और आयुर्वेदिक स्टॉल्स, यहाँ पे कलर एंड ऑल मिलते हैं। ये मार्केट और वापस से इधर ही जा रहा था। हाँ, ये कन्फ्यूज हो गया मेरे हिसाब से, रास्ता तो सही है। मंदिर मेरे हिसाब से खुला है या शायद नाइट में भी खुला ही रहता है। अभी अंदर दर्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे। यही है क्या? हाँ, ये हियर द वे। देन अभी चेक करेंगे, दर्शन तो नहीं करवाएंगे मंदिर, दर्शन करने के लिए कल सुबह आएंगे, ताकि जो वाइब है वो सुबह मिले और जो कंप्लीट अपना व्लॉग बनाने का है मंदिर के अंदर का व्लॉग कल सुबह बनाएंगे। अभी बस बाहर से दर्शन कर लेंगे, बाहर से नाइट व्यू कैप्चर कर लेंगे कि नाइट में व्यू कैसा है। भाई साहब रौनक तो तगड़ी है, रौनक तगड़ी है।
ऑफ सीजन में आए हैं अपन, दिसंबर मंथ है आज, तो भी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है यहाँ पे, भीड़ है यार। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये अपने मंदिर का एंट्रेंस है, ये मेरा भाई, इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। साफ साफ लिखा है कृपया जूते चप्पल या नहीं उतारे, फिर भी ये देखो मूर्ख, ये इन जैसे मूर्ख लोग जूते खोलते हैं। ये मंदिर के अंदर एंट्री है, ये अपना एंट्री हो चुका है, काफ़ी बड़ा है। इधर से एनएनडी के सेंटर से, इधर से ही हाँ। तो ये कंप्लीट मंदिर का व्यू है, आप देख सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पे खतरनाक भीड़ पड़ती है सीज़न में। अभी अपन ऑफ सीज़न आए हैं, ये क्या लिखा हुआ है, भोग आरती 8 बजे, सुबह 8 बजे आरती होती है और शाम 8 बजे, और दोपहर में आरती होती है 4 बजे, और शाम की आरती बता रहा है ये 6 बजे। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि आरती हो चुकी है, मंगल आरती 9 बजे होती है, मतलब मंगल आरती होने वाली है, मतलब हो रही है। वाह भाई, इधर से चलना है कि इधर से वाह ठीक है। होल्ड करते हैं और आपको सीधा दर्शन ही कराते हैं बाबा जी का। भाई साहब वो तो आगे निकल गया, मेरे को लगा लाइन में आना है, तो मैं कायदे से लाइन में आया हूँ, देखते हैं भगवान जी का दर्शन करते हैं। लोग गाइस, तो अब अपने बाबा जी की समाधि की इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज खींचने नहीं दिए, तो जस्ट दर्शन करें बाबा जी के और अब आगे निकल गए। ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है और गजब का क्रेज़ है लोगों में, इनका बहुत मानते हैं बाबा जी को, हम भी बहुत मानते हैं, आए हुए थे आ गए। आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं और वीडियो जैसे कलाकृति करी हुई है, मतलब आप देख पा रहे हैं खुद, भाई साहब बहुत शानदार कांच की कलाकृति करी हुई है। ये बाबा जी के आप देख पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, बाबा जी के समाधि के हैं, ये समाधि स्थल है जहाँ पर हमने दर्शन करे थे। तो अपने मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं और नाइट व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया। सुबह मैं ट्राई करूंगा कि सुबह एक बार आए और सुबह आपको सुबह का माहौल दिखाया जाए पूरा, ढोल बजाने पड़ता है, बाबा जी सबकी पुकार सुने, बाबा जी ने सबरी। पकड़ मेरा बना, तो मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और बस एग्जिट है अपनी, बट बहुत बहुत आराम से दर्शन हुए हैं क्योंकि एकदम ऑफ सीजन में आए हैं यार, भगवान सबकी सुनता है।
तो सब एक साथ बोलेंगे जय हो बाबा रामदेव की। धन्यवाद व्लॉग को देखने के लिए। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ गलती हो प्लीज़ बताएं, मैं सुधारूंगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें RJ19 राइडर को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। Get on my head.